उदाहरण 10। आकृति में ए बी वृत्त का व्यास और ओ केंद्र है। यदि कोण ओ ए पी बराबर 50 अंश तो कोण ओ पी बी ज्ञात कीजिए। हल, त्रिभुज ए ओ पी में। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ ए और ओ पी, ओ ए और ओ पी जो दो है, जो ओ ए और ओ पी जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ पी बराबर है क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसीलिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी ए बराबर 50 अंश, दोनों का मान 50 अंश है क्योंकि यहाँ पे हम ओ ए बराबर ओ पी जो है हमारा त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और त्रिभुज ओ ए पी समद्विबाहु त्रिभुज है जिनके दोनों कोणों को मान बराबर होता है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि ओ ए पी बराबर ओ पी ए, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी ए बराबर 50 अंश। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोण ए पी बी का जो मान है वह 90 अंश है क्योंकि व्यास द्वारा वृत्त में व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 अंश का होता है। इस तरह से हम यह देखें कि कोण ए पी बी बराबर 90 अंश, अतः कोण ए पी बी जो है ए पी बी इसका जो मान है वो ए पी बी का मान को हम लिख सकते हैं, कोण ओ पी ए धन कोण ओ पी बी के रूप में इसे लिख सकते हैं, और ओ ए यहाँ पे कोण ए, यहाँ पर हम कोण ए पी बी के स्थान पर 90 अंश लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर 90 अंश, वृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण जो है 90 अंश का बनता है, तो हमने ए पी बी के स्थान पे 90 अंश लिखा। उसी तरह से कोण ओ पी ए का मान 50 अंश है, धन कोण ओ पी बी, इसलिए जब हम 50 का पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में तो हमें प्राप्त होगा कोण ओ पी बी बराबर 40, 90 अंश ऋण 50 अंश बराबर 40 अंश। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि त्रिभुज में कोण ओ ए, इस तरह से हमने ज्ञात किया कोण ओ पी बी बराबर 40 अंश। तो यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, दी गई आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए अब हम वृत्त के एक ही खंड में बने कोणों के बीच संबंध देखते हैं।